Welcome back to Mind Map Literature, and first of all, Merry Christmas to all of you. May this Christmas brought you all with lots of happiness and joy. इस क्रिसमस आप लोग सेंटा क्लॉस का वेट मत कीजिए, आप दूसरों के लिए सेंटा क्लॉस बन जाइए और ढेर सारी खुशियां बांटिए. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ क्रिसमस कैरोल, अ नोवेला विच वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, अ फेमस विक्टोरियन नोवेलिस्ट. इस बुक को 19 दिसंबर 1843 में चैपमैन एंड हॉल पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया था और क्रिसमस आते ही पहला एडिशन पूरा बिक गया था, इतनी फेमस हुई थी ये नोवेल. क्रिसमस कैरोल स्टोरी है एक मीन एंड सेल्फिश ओल्ड मैन इवनेजर स्क्रूज की. तो स्टार्ट करते हैं इसकी समरी. लंदन में एक सेल्फिश ओल्ड मैन था जिसका नाम था इवनेजर स्क्रूज. ये बहुत ज्यादा रूड था, ये हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था. तो एक क्रिसमस की ईव ये अपने क्लर्क बॉब क्रैचेट को बहुत बुरी तरह से डांट रहा था. उसी शाम दो जेंटलमैन चैरिटी के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आए, उन्हें भी स्क्रूज ने डांट कर भगा दिया. स्क्रूज का एक नेफ्यू था फ्रेड, उसने स्क्रूज को क्रिसमस पार्टी में बुलाया था, उससे भी इसने बहुत रूडली मना कर दिया. उसके बाद स्क्रूज अपने घर चला जाता है और जैसे ही सोने की तैयारी करता है तो उसका पुराना बिजनेसमैन जैकॉब मार्ले का गोस्ट उससे मिलने आता है. जैकॉब स्क्रूज से बताता है कि मुझे अपने रूड बिहेवियर और सेल्फिशनेस के लिए बहुत सारी पनिशमेंट मिल रही हैं, मुझे एक बहुत मोटी चेन गले में बांध के पूरे अर्थ का चक्कर लगाने की सजा मिली है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना बिहेवियर सुधार लो जिससे तुम्हें इस पनिशमेंट से होकर न गुजरना पड़े. जैकॉब आगे बताता है कि मेरे जाने के बाद तीन गोस्ट, तीन स्पिरिट तुमसे मिलने आएंगी और वो तुम्हारे बिहेवियर सुधारने में हेल्प करेंगी. तो जैसे ही जैकॉब मार्ले का गोस्ट वहाँ से जाता है, तीन स्पिरिट्स जो थीं गोस्ट ऑफ पास्ट क्रिसमस, गोस्ट ऑफ प्रेजेंट क्रिसमस एंड गोस्ट ऑफ फ्यूचर क्रिसमस, ये तीनों में से पहला गोस्ट, गोस्ट ऑफ पास्ट क्रिसमस स्क्रूज के पास आता है और ये एक बच्चे के रूप में उसके पास आता है. स्क्रूज को ये उसके पास्ट में ले जाता है जहाँ पे स्क्रूज बहुत यंग था लेकिन उसका बिहेवियर उस समय भी बहुत रूड था. इसकी फियांसे थी वैले, उसको समय देने की बजाय ये अपने बिजनेस में लगा रहता था हर समय, तो वैले उसे छोड़ के चली गई. तो स्क्रूज जब ये सब चीजें देख रहा था तो उसके आंखों में आंसू आ गए और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और जो गोस्ट था वो स्क्रूज को उसके बेडरूम में वापस छोड़ जाता है. और जैसे ही गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट जाता है वहाँ पे गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट आ जाता है. ये गोस्ट एक यंग मैन के रूप में आता है. ये गोस्ट स्क्रूज को उसके क्लर्क के यहाँ ले जाता है जिसका नाम था बॉब क्रैचेट. वहाँ पे स्क्रूज देखता है बॉब क्रैचेट की फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हैं और उसका बेटा टिनी टिम जो बीमार रहता है लेकिन स्पिरिट से भरा हुआ है और ये लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं. फिर गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट स्क्रूज को उसके नेफ्यू के यहाँ ले जाते हैं जिसने स्क्रूज को क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट किया था लेकिन स्क्रूज ने बहुत रूडली मना कर दिया था. जब उसके घर जाते हैं तो वहाँ पे भी क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है. गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट स्क्रूज को वापस बेडरूम में लाता है और बेड में छोड़कर चला जाता है. जैसे ही गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट वहाँ से जाता है एक डार्क शैडो में तीसरा गोस्ट आता है जिसका नाम है गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर. ये गोस्ट स्क्रूज को फ्यूचर में ले जाता है जहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे कलीग्स उसके ब्यूरियल के समय आए हैं लेकिन कोई भी उसकी तारीफ नहीं कर रहा, सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बहुत रूड आदमी था, इसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, हमेशा ये पैसों के पीछे ही भागता रहा. और ये सब सुनकर स्क्रूज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोस्ट ऑफ क्रिसमस फ्यूचर उसे उसके बेड में छोड़कर चला जाता है. और जब स्क्रूज उठता है तो वो क्रिसमस का डे होता है. अब स्क्रूज ने सोच लिया है कि वो अपनी गलतियां सुधारेगा, तो वो सबसे पहले बॉब क्रैचेट के घर जाता है, बहुत सारे क्रिसमस प्रेजेंट लेके जाता है, एक जाइंट टर्की क्रिसमस पार्टी के लिए लेके जाता है और बॉब क्रैचेट से कहता है कि आज से टिनी टिम की सारी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी दवाइयों से लेके पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, और बॉब को क्रिसमस का बोनस भी देता है. फिर यहाँ से जाने के बाद वो अपने नेफ्यू के घर जाता है और उसके साथ क्रिसमस एंजॉय करता है. उसका नेफ्यू फ्रेड बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने अंकल के साथ और बहुत सरप्राइज भी होता है अपने अंकल को नए रूप में देखकर. और यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी ख़त्म होती है. तो जैसे स्क्रूज ने अपनी गलतियाँ सुधारी, हमें भी अपनी गलतियाँ सुधारना चाहिए, अपने बिहेवियर को सुधारना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से जाएंगे तो सिर्फ हमारी अच्छी चीज़ें ही यहाँ रह जाएंगी. तो हमें भी अपनी रूडनेस, सेल्फिशनेस और प्राउड को छोड़ के खुशियाँ बांटना चाहिए. Hope you all enjoy the video. If you all like the video, please like, share and subscribe and stay connected to Mind Map Literature for further updates. Thank you.